हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक पेपर, और ये पेपर कंडक्ट हुआ था 8 अगस्त 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो पूरे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये रियल क्वेश्चन हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आप सीजीएल 2018 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस टारगेट बैच के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आपके लिए है। इसमें पूरा इंग्लिश का और पूरा जीके का और पूरा करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू और ई बुक्स के थ्रू आपको पूरा कम्प्लीट कराया जाएगा। इसमें हम रिविज़न टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे और प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे, और इससे बाहर कुछ भी आपके सीजीएल 2018 टीयर वन में नहीं आएगा। और इसको यदि आप करते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी टीयर टू की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रामर का जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं टीयर वन में और टीयर टू में, केवल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है, लेवल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इनडायरेक्टली आपकी टीयर टू की भी इस कोर्स से, इस टारगेट बैच से घर बैठे तैयारी हो जाएगी। इन सभी क्लासेस को आप अपने मोबाइल पर, आप अपने लैपटॉप पर और अपने पीसी पर किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। वर्किंग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और घर बैठ के आराम से बहुत ही कम फीस में शांति के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टीयर वन के लिए है जिसका फीस 1699 रुपये है, और एक कॉम्बो पैक एडवांस पैक है एक, जिसकी वैलिडिटी एक साल है, और इसमें टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री के लिए आप तैयार कर सकते हैं, और इसकी फ़ीस 2699 है। तो इन सभी की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और इसके रिगार्डिंग मुझसे आप इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। देखिए, ये स्पॉटिंग रेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सीजीएल में मैं आपको बता देता हूं कि सभी सेक्शंस में, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सभी स्टूडेंट करके आएंगे। यानी आपका जो कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा वो 30% क्वेश्चंस पर होगा, 20-30% क्वेश्चंस पर होगा। 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम सिंपल होंगे और एकदम से आप उसको आप लगा सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है स्पॉटिंग रेट का, ये सिंपल क्वेश्चन है। नो सूनर जो होता है, इसके बाद हम यहाँ पर हम देन का प्रयोग करते हैं, टी एच ए एन देन, और हार्डली और स्कैसली के बाद हम वैन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको ये रूल देखना है कि नो सूनर के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर वैन के स्थान पर देन आएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नॉट देन। देखिए, देन में भी दो तरह के देन हो सकते हैं, एक होगा टी एच ए एन देन और एक टी एच ई एन देन। तो टी एच ई एन देन नहीं आएगा। नो सूनर में देखिए ई आर आता है, और ई आर हम किस में यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम ये वाला देन लगाते हैं, ना कि ये वाला, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और हार्डली और स्कैसली के बाद हम वैन का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल सा स्पॉटिंग एरर है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट ओबे। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, यदि आप थोड़ी सी भी स्टडी करते हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अनलेस जो है एक नेगेटिव वर्ड है, और डोंट भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला जो पाथ है, ये फर्स्ट जो पाथ है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल पाथ, अनलेस यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स, यहाँ से देखिए इसमें दो पाथ होते हैं, एक ये होता है कंडीशनल पाथ और ये होता है रिजल्ट पाथ, ठीक है। तो कंडीशनल पाथ में दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, मतलब एक क्लॉज में, ये एक क्लॉज है आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर दूसरा क्लॉज शुरू होता है। तो एक क्लॉज में दो नेगेटिव, एक ये डू नॉट और एक ये अनलेस, ये साथ में नहीं आएंगे, इसलिए इसमें फर्स्ट पाथ में एरर है। कितना टाइम लगा इस एरर को निकालने में, बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, और ये रियल क्वेश्चन 2017 के हम इस वीडियो क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए, यदि आप थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट हैं सीजीएल 2018 के लिए। एरर ऑफ डबल नेगेटिव, अनलेस मीन्स इफ नॉट, अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट, और डू नॉट का अर्थ होता है डू नॉट, यानी नॉट नॉट इसमें दो बार आ गया, एक ही क्लॉज में नॉट नॉट दो बार आ गया, तो इसलिए इसमें फर्स्ट पार्ट में इसमें आपकी एरर मानी जाएगी। और सक्सीड जो वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है सक्सीड। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट सोचता है
कि ये सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म सक्सीड की सक्सीडेड और सक्सीडेड है, ठीक है। यानी ईडी ईडी जिसमें दो बार आता है वो आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, सक्सीड आपकी फर्स्ट फॉर्म है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि अनलेस इज फॉलोड बाय द प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में दो क्लॉज मैंने आपको बताए हैं, एक ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल पार्ट है जिसमें हम कंडीशन रख रहे हैं, शर्त रख रहे हैं, और एक इस शर्त की वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा वो रख रहे हैं। तो कंडीशनल वाला जो पार्ट होगा उसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे और उसमें डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने तीन चार चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारे पीडीएफ्स भी मेरे टारगेट बैच में अवेलेबल होंगे और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको दिया जाएगा और उससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जा सकता। देखिए ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, 14 किलोमीटर्स इसमें दिया है, तो 14 किलोमीटर्स के बाद हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे आर लगाएंगे। 14 किलोमीटर्स, देखिए किलोमीटर के हिसाब से तो ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हम 14 किलोमीटर्स की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो अपने आप में सिंगुलर है। 14 किलोमीटर्स जो है ये क्या है, ये दूरी है, 14 किलोमीटर्स जो है ये दूरी है। तो चूंकि यहाँ पर 14 लिखा है इसलिए हम किलोमीटर्स में तो एस लगाएंगे, लेकिन कुल मिला के 14 किलोमीटर अपने आप में एक दूरी को सिग्निफाई करता है और दूरी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम इज लगाएंगे आर नहीं लगाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन ए प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस वेट्स और हाइट्स और अमाउंट ऑफ मनी इट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो 14 किलोमीटर्स जो है ये अपने आप में एक डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस वेट और हाइट्स ये भले ही प्लूरल में हो लेकिन इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं क्योंकि ये एक यूनिट होती है। 14 किलोमीटर्स अपने आप में डिस्टेंस की एक यूनिट है और डिस्टेंस जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, गुड रीडिंग द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेशनल एजुकेटेड माइंड। गुड रीडिंग यदि आप करते हैं तो ये किस चीज को बताती है, ये बताती है कि आपके अंदर एक सेंस है, एक आप एक एजुकेटेड माइंड रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें तो गुड रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पर चाहिए आपको वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यदि मैं बोलूं आपसे कि एक्सरसाइज इज ए गुड थिंग या वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, यदि मैं आपसे बोलता हूं वॉकिंग, फिर बोलता हूं इज और फिर बोलता हूं इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले नाउनी तो आएगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो राम श्याम के फॉर्म में हो या वॉकिंग के फॉर्म में हो, तो इज एम आर से पहले यहां पर जो आएगा वर्ड वो नाउन के फॉर्म में आएगा। तो गुड रीडिंग क्या है, इसमें एक नाउन है, ठीक है, और गुड रीडिंग, रीडिंग एक्चुअली इसको हम जेरेंड बोलते हैं इंग्लिश में, वर्बल नाउन होता है ये गुड रीडिंग या वॉकिंग या एक्सरसाइज, यानी यहां पर वर्ब से पहले जो भी आएगा ये नाउन के फॉर्म में होगा। तो ये क्या है, गुड रीडिंग क्या है, ये सिंगुलर है और यहां पर आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हो, क्योंकि गुड रीडिंग जो है, रीडिंग जो है अपने आप में सिंगुलर नाउन है और गुड रीडिंग इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, इस चीज को बताता है कि आपके पास एक एजुकेटेड माइंड है, आप एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहां पर रिफ्लेक्ट कहना सही होगा, रिफ्लेक्ट विल बी द राइट आंसर हियर। अब यहां पर आप गुड रीडिंग रीड्स नहीं बोल सकते, गुड रीडिंग बिलीव्स, मतलब इन तीनों ही वर्ड्स का कोई सेंस नहीं बन रहा है, रीड माने पढ़ना, बिलीफ माने विश्वास करना, स्टार्ट माने शुरू करना, रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है उस चीज को प्रदर्शित करना, उस चीज को बताना, तो रिफ्लेक्ट यहां पर सही आंसर होगा। यदि कोई ऑप्शन में आपका रिफ्लेक्ट होता या रिफ्लेक्टिंग होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें हम एस लगाते हैं, तो इसलिए सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। रीडिंग इज ए वर्बल नाउन और जेरेंड एंड इट इज ऑलवेज टेकन सिंगुलर, जेरेंड को हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर वर्ड का, फ्रिबोलस, ठीक है, तो फ्रिबोलस का क्या अर्थ है, फ्रिबोलस का अर्थ है, यहां पे सिमिलर वर्ड बताना है आपको, फ्लिपेंट, ग्लिब या इनेन, फ्रिबोलस का अर्थ होता है फनी या मूर्खतापूर्ण, और यहां पर मैंने आपको आपके लिए काफी सारे सिनोनिम्स मैंने दिए हैं, फ्रिबोलस का फ्लिपेंट भी हो सकता है, ग्लिब भी हो सकता है और इनेन, इनेन मतलब सिली, मूर्खतापूर्ण, ये सारे सिनोनिम इसके हो सकते हैं।
और प्यूराइल का होगा एडोलोसेंट, इन्फेंटाइल और जुबेनाइल। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा प्यूराइल। प्यूराइल यहां पर इसका सही सिनोनिम होगा। इसकी स्पेलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये फ्रोबोलस और प्यूराइल दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का देखिए कई मतलब है। पेट्री पेट्री जो जो रूट वर्ड है उसका उसका अर्थ होता है पत्थर या स्टोन। ठीक है, तो किसी भी चीज को पत्थर जैसा बना देना, कड़ा बना देना, हार्ड बना देना, उसको हम बोलते हैं पेट्रीफाई। ठीक है, पेट्रीफाई स्टंड के लिए भी यूज होता है। जैसे कोई चीज इतनी आश्चर्यजनक है कि वो आपको एकदम, आप उसको देख के एकदम जड़ हो जाते हैं, एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं कि आई वॉज पेट्रीफाइड। तो पेट्रीफाई के यहाँ पर पेट्रीफाई का देखिए एडोर्न का मतलब तो होता है सजाना, काम का मतलब शांत, क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु, और हार्डन, हार्डन और पेट्रीफाई ये सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, तो पेट्रीफाई आप देख सकते हैं फॉसिलाइज भी होगा यहाँ पर, फ्राइटन डरना भी होता है, स्केयर भी होता है इसका। फॉसिलाइज एक अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अडॉर्न का अर्थ होता है सजाना, इसको हम एम्बेलिश भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ये एक बहुत अच्छा वर्ड है टिटीवेट। टिटीवेट एक नया वर्ड है और ये पूछा जा सकता है। टिटीवेट का अर्थ होता है सजाना, अडॉर्न, गार्निश, इसको हम कुकिंग में यूज करते हैं गार्निश, और गिल्ड। ये सारे ही देखिए कितने अच्छे और कितने रिलेवेंट वर्ड हैं जो कि सीजीएल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के प्रैक्टिस पेपर पूरे 43 प्रैक्टिस पेपर, 43 जो 2017 के जो सेट हैं, जो रियल क्वेश्चंस हैं, वो पूरे के पूरे मैं आपको टारगेट बैच में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ क्लासेस डालूंगा, 8 से 10 क्लासेस में डालूंगा, 2017 के 8 से 10 पेपर डालूंगा, लेकिन टारगेट बैच में मैं पूरे पेपर 2017 के, और कोशिश करूंगा कि 2016 के भी पूरे पेपर उसमें मैं करवाऊँ। ग्रीगेरियस देखते हैं, ग्रीगेरियस का क्या अर्थ है? ग्रीगेरियस, लेकिन यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ग्रीगेरियस का अर्थ होता है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, जो मिलनसार होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। इसलिए इंट्रोवर्ट जो होगा यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा ग्रीगेरियस का। ठीक है, अफेबल का फ्रेंडली होता है, जीनियल भी फ्रेंडली होता है, अर्बेन काइंड होता है। तो यहाँ पर इसके हम देख लेते हैं आंसर्स। ग्रीगेरियस का अर्थ होता है आउटगोइंग, सोशेबल, कंपेनियनेबल, ये एक अच्छा वर्ड है, और एक्सट्रोवर्टेड और अनरिजर्व, ये सारे होंगे आपके ग्रीगेरियस के सिनोनिम। और ग्रीगेरियस के एंटोनिम क्या होंगे? इंट्रोवर्ट, रिजर्व, रेटिसेंट और टेसिटर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दो, रेटिसेंट और टेसिटर, ये आपका ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अफेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, यानी इसको हम जीनियल बोल सकते हैं और फ्रेंडली बोल सकते हैं। ठीक है, अर्बेन का अर्थ होता है डेवोनियर, रिफाइंड, सॉब या पॉलिश्ड। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और सॉब इंपॉर्टेंट वर्ड है। ही वर्ड्स को आप यदि बार बार रिवाइज करते हैं तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ये जो वर्ड है ये है अर्बेन, ये अर्बन नहीं है। अर्बन का अर्थ होता है शहरी, जिसका अपोजिट होता है रूरल। ये अर्बेन है, जिसका अर्थ होता है डेवोनियर, रिफाइंड, पॉलिश्ड या वेल मैनर्ड। ट्रेमुलस, ट्रेमुलस का क्या अर्थ है? ट्रेमुलस का अर्थ होता है जिसके दिमाग में शांति नहीं है, जो अशांत है। ठीक है, अनस्टेडी या क्विबरिंग। ठीक है, ट्रेमुलस का होगा आपका, ट्रेमुलस का सिनोनिम होगा अनस्टेडी या क्विबरिंग, और एंटोनिम होगा इसका स्टेडी। तो यहां पर हम अपोजिट वर्ड इसका लेंगे स्टेबल, स्टेबल इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, फीबल का अर्थ होता है कमजोर, और फ्रूगल का अर्थ होता है जो इकोनॉमिकल है, जो ज्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं करता, उसको हम बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल का होगा थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, पेनी वाइज, ये एक अच्छा वर्ड है पेनी वाइज। और फीबल का अर्थ होता है वीक। ठीक है, स्टेबल, वाइटल, फीबल, फ्रूगल, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, और इसका ट्रेमुलस का सही जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका स्टेबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये इडियम फ्रेज पूछे गए हैं, द अल्फा एंड द ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा ये लैटिन लेटर्स हैं, और अल्फा का मतलब होता है बिगिनिंग और ओमेगा का अर्थ होता है एंड।
तो बिगनिंग और एंड इसको हम बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। द बिगनिंग एंड एंडिंग के लिए भी ये आता है और प्रिंसिपल एलिमेंट्स के लिए भी आता है। मुख्य किसी भी चीज में कोई मुख्य एलिमेंट है तो उसको भी हम बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। थ्रो अप द स्पंज, थ्रो अप द स्पंज ये एक अच्छा आइडियम है और इसका अर्थ होता है आपका घुटने टेक देना, किसी के सामने हार मान लेना, सरेंडर कर देना। थ्रो अप द स्पंज, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसका डिटेल, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ और ये काफ़ी अच्छा एक आइडियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। हमें एग्स लाने की ज़रूरत है क्योंकि घर में फ्रिज में जो हैं वो एग्स नहीं हैं। तो ए फ्यू का क्या मतलब है, सेंटेंस बोल रहा है कि वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम, हमें उनको लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब हमारे फ्रिज में एक भी एग नहीं है या ना के बराबर एग है। और ना के बराबर का सेंस निकालने के लिए हम ए फ्यू नहीं लगाते, हम लगाते हैं फ्यू। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्यू। चूंकि एग्स को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, इसलिए हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। फ्यू होता है काउंटेबल के लिए प्रयोग और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिए फ्यू का अर्थ होता है हार्डली एनी, ना के बराबर फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सब कुछ। ये इन तीनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस है। उसी तरीके से लिटिल का अर्थ होता है, लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, ए लिटिल का मतलब होता है कुछ और द लिटिल का अर्थ होता है जितना भी है सब कुछ। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इस वीडियो को पॉज कर आप यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए हैं इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मेल पर, या मुझे कॉल करके भी ये सारे डाउट्स आपके लिए कर सकते हैं। माई ब्रदर इज इंडिफरेंट अबाउट व्हाटएवर आई से, मतलब ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि मेरा ब्रदर इंडिफरेंट है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता या उसका अपने आप को उससे कंसर्न नहीं रखता जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, वो कंसर्न नहीं है जो मैं बोलता हूँ। तो इस सेंस में जब हम इंडिफरेंट को यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम लगाते हैं टू। हालांकि इंडिफरेंट के बाद अबाउट भी आता है, ऑफ भी आता है, टुवर्ड्स भी आता है, लेकिन 80% केसेस में इंडिफरेंट के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग इसमें हम करेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। SSC में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछे जाते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जो गलत स्पेलिंग है वो बताना है। गारंटी GURANTEE ये सही है, itinerary ये सही है, राइटिंग की स्पेलिंग सही है, MAGNIFICENT होता है, MAGNIFIC, इसमें आई एक्स्ट्रा है एक्चुअली, तो मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग इसमें गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी स्पेलिंग गलत है इसमें। एटिकेट की स्पेलिंग गलत है, ETIQUETT आता है एटिकेट में, तो एटिकेट इसका आंसर होगा। एक्सक्यूसिट ये सही है स्पेलिंग इसकी, रेस्टोरेंट सही है, और इसके विंजर की स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, एटिकेट इसमें आंसर होगा। इसके विंजर क्या होता है, इसके विंजर आपने देखे होंगे सड़क पर जो लड़के घूमते रहते हैं, गंदे से कपड़े पहने रहते हैं और सामान उठाते रहते हैं, पॉलीथिन बैग्स वो कलेक्ट करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केवेंजर। और इसको हम स्केवेंजर वर्ड को एक एनिमल के लिए भी यूज़ करते हैं जो डेड प्लांट पर या डेड मटेरियल पर फीड करता है अपने आप को। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन कैरियन, डेड प्लांट मटेरियल और रिफ्यूज। ठीक है, दो इसके सेंस होते हैं स्केवेंजर के। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अ फ्यूनरल पोयम। ठीक है, अ फ्यूनरल पोयम मतलब जो जो शमशान में गाई जाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूनरल पोयम। इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एलिजी। एलिजी होता है फ्यूनरल सॉन्ग या पोयम। पेंडीमोनियम होता है केओस, मेहम, बेडलम या रैकेट। पेंडीमोनियम मतलब शोरगुल, शोर शराबा, उसको हम बोलते हैं पेंडीमोनियम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने सिनोनिम्स आपके लिए दिए हैं। यहाँ पर केओस है, ये हम है, बेडलम है, रैकेट है, और ये हैं इसके एंटोनिम्स। पैरोडी का अर्थ होता है व्यंग करना,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेटायर, लैम्पून, ट्रेबेस्टी और बर्लेस्क। थोड़ा सा रिवाइज इनको आपको करना पड़ेगा। सोनेट एक पोयम होती है, 14 लाइन की एक पोयम होती है, वर्स राइम इसको हम ओड भी इसको हम बोलते हैं, और इसका एंटोनिम जो होगा सोनेट का वो होगा आपका प्रोज, प्रोज इसका एंटोनिम आपका होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट इसका आंसर होगा। न्यूमिस्मेटिस्ट जो सिक्के इकट्ठे करने का शौकीन होता है, फास्टिडियस जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, और ड्रोवर, ड्रोवर हम बोलते हैं जो एनिमल्स को लेके फील्ड्स में जाता है। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको रोक के, सारा डिटेल में मैंने दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट पैराजम्बल हम देखते हैं, बट ही डिड नॉट, बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा नाउन से, और नाउन को रिप्लेस करने के लिए फिर बाद में प्रोनाउन आता है, तो मोहनलाल से ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा एक्चुअली ये वाला से, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। देखिए यहाँ पर हमने कोलकाता को नाउन की तरह यूज़ किया है, और कोलकाता को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर फिर सिटी आ गया है, ठीक है। मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिड नाइट, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, यानी आर क्यू सेंटेंस में सबसे पहले आएगा पैसेज में, आर क्यू केबल, आर क्यू, हाँ दो ऑप्शन में से है, आगे भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हैं ही थॉट ही वुड गो टू ए चोल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, बट पहले हम अफर्मेटिव बोलेंगे और उसको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए फिर हम बट वाला सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा यानी आर क्यू एस पी आपका सही आंसर होगा इसमें, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड स्लोली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से भी एंड स्लोली, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव, और उसके बाद आ जाएगा वंस यू एक्सपीरियंशियली आर ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी। नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव, इसके बाद ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं आप, देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। नहीं, ये नहीं आएगा। इसके बाद नहीं, ये गलत हो गया, पी ये क्यू है, पी क्यू आर एस, इसमें ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपेस एंड लव एंड स्लोली यू रीच द पिनेकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस ए यूनिटी विथ ऑल द लाइफ। इसके बाद ये आएगा, पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा, एंड इसके बाद आप बोल सकते हैं वंस यू एक्सपीरियंशियली आर ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरली। हाँ, इसके बाद आ जाएगा देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बट विदाउट एंगर। तो इसमें ये होगा फर्स्ट सेंटेंस क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर पैरा जंबल एक और देखते हैं, ये शायद पहले का दे दिया है मैंने, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग बाइंग कैपेसिटी से हो जाएगा ये, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हेयर आर ऑल्सो, यानी वाई जेड एक्स बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, तो चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, राम वॉज सिंगिंग, तो वॉज बींग का प्रयोग होगा इसमें, वॉज बींग का प्रयोग इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें है लेकिन पहले इसमें हम राम को रखेंगे, क्योंकि अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वॉज बींग संग, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किसके द्वारा अ ब्यूटिफुल सॉन्ग गाया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय राम के द्वारा,
फिर प्रपोजिशनल जो फ्रेज होगा उसको हम एंड में रखेंगे। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, ए इसमें आपका आंसर होगा। ये आपका नरेशन, और नरेशन में इसमें आपको इनडायरेक्ट नरेशन में ये दिया है, प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे जो होता है ये किसका इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है टुमारो का। तो जिसमें टुमारो आएगा वो सेंटेंस आपका आंसर होगा। तो टुमारो इसमें आ रहा है और टुमारो इसमें भी आ रहा है, लेकिन विल से सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि विल हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम एडवाइस देते हैं और एडवाइस के लिए हम डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो प्रिया सेड टू मी, इसका आंसर होगा आपका बी, ये आंसर होगा इसका। और ये है क्लोज टेस्ट, इसको देखते हैं हम आपके सीजीएल 2018 में या तो एक पैसेज आएगा या फिर एक क्लोज टेस्ट आएगा 5 नंबर का। तो इसको हम देखते हैं, जॉब परफॉर्मेंस इज बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जॉब परफॉर्मेंस जो होती है उसको हम नंबर ऑफ फैक्टर्स से, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स से अफेक्ट होती है एक्चुअली, उसको हम मेजर नहीं करते। ठीक है, उसको वो जो जॉब परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। तो इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस या डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस किससे अफेक्ट होती है, उसके लिए फैक्टर्स हैं, तो इसलिए अफेक्ट वर्ड यहाँ पर सही होगा, अफेक्टेड विल बी द राइट आंसर। इफेक्ट, अफेक्ट एक्चुअली यहाँ पर आपको एक वर्ब फॉर्म चाहिए क्योंकि इज लगा है, तो जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है तो यहाँ पर आपको वर्ब चाहिए, और इफेक्ट जो है ये वर्ब नहीं है, अफेक्ट वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म भी चाहिए क्योंकि इज लगा है, तो अफेक्ट में थर्ड फॉर्म भी है। मेजर्ड थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट होगा। इन्फ्लुएंस जो है ये ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या चीज़ होती है, प्रभावित क्या चीज़ होती है, हम किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारा परसेप्शन और हमारा बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस होता है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है, इसलिए अफेक्ट कहना यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर हम नापने की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मेजर्ड वर्ड नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं, एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब एबिलिटी की वजह से आप मोटिवेट होते हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। ठीक है, द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, यहाँ पर आएगा द हायर, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री जब आती है तो दोनों ही जगह हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर द हायर आया है तो यहाँ पर भी द हायर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर द हायर आया है तो यहाँ पर भी हम द हायर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी आपका सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन लेवल टेंड टू, देखिए यहां एक नेगेटिव वर्ड आ गया, डिसफंक्शनल रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट से रिलेटेड एक वर्ड यहां पर चाहिए, और यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो डिसफंक्शन को क्रिएट करे। ठीक है, तो यहां पर आएगा एक्चुअली, देखिए जब आप किसी भी चीज़ के ऑप्टिमल लेवल पर पहुंच जाते हैं, किसी भी चीज़ की जब हाइट पर पहुंच जाते हैं और उससे ज़्यादा फिर आप किसी उसको करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो डिसफंक्शनल रिजल्ट आता है। जैसे यदि मोटिवेशन भी आपकी एक ऑप्टिमल लेवल पर पहुंच जाती है और उसके बाद उसको क्रॉस करने की आप कोशिश करते हैं तो आपके जो रिजल्ट होते हैं वो डिसफंक्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्टिमल, और रिजल्ट से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पर चाहिए, तो रिजल्ट से रिलेटेड एक वर्ड है, रिजल्ट्स को क्या करते हैं, रिजल्ट्स को हम डिड्यूस नहीं करते, डिड्यूस का अर्थ होता है इन्फर करना, निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट्स को डिड्यूस नहीं करते, रिजल्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते, रिजल्ट्स को हम हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका प्रोड्यूस। और यदि आपकी मोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है तो डिसफंक्शनल रिजल्ट उससे क्रिएट होता है, बिकॉज इट इज़ यहाँ पर एक बायस, कौन सा वर्ड बाय के साथ जा सकता है वो चाहिए आपको, और बाय के साथ आ सकता है आपका एकम्पनेड, एकम्पनेड बाय, मतलब डिसफंक्शनल रिजल्ट क्रिएट होते हैं इंक्रीजिंग मोटिवेशन से,
और उसके साथ आता है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंग्जाइटी। यदि आपका मोटिवेशन कुछ ज़्यादा ही है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आप लोगों की आपसे ज़्यादा हाई होती है, और उसके साथ एक एंग्जाइटी का एक लेवल बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका बी। ठीक है, तो ये पेपर 8/8/2017 का रियल पेपर है, और इसी तरीके का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2018 में, सीजीएल 2018 में। और इसके रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं आप, तो इसी ईमेल आईडी पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं सीजीएल 2018 में, तो उसके लिए हमारा टारगेट बैच अभी चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझसे इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस टारगेट बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।